जी पहले मतलब अपने यहाँ पे भी कई लोग क्या बोलते थे कि अब तो ये अभी तो पाकिस्तान तारबंदी होगी, उससे पहले यहाँ अपने तारबंदी के अगले पास पाकिस्तान में टोबे हुए करते थे। वो से बात टोबे पहले में थे, एक मार टोब हुए, मैं पाकिस्तान में आ गई। अच्छा। मार टोबे हो दो चाहिए। काई नाम क्या नाम था? अच्छा, अब पाकिस्तान में चला गया। उस दिन पहले तो पानी लेके आते थे, पहले पानी कोई अपन पकड़े गुन क्या मतलब पोस्ट रे दी। पोस्ट रे दी। नमस्कार, बढ़िया हो? कितो माल मवेशी है कने? पता साथ साथ है। अच्छा, हमें इतना और नहीं करते भी साहब। हाँ जी, हाँ जी, गाल बोला है ना, कोई मिल तो हुए। हाँ जी, तो आप आए गाल बोलू, गाल मिले कहीं को। बिल्कुल सही बात, सहायता कर ले तो शाबाश हमारी। शाबाश, तो कोई कई आतरा आशीष दे से नहीं करे तो शाबाश हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना रोजा चल रहा है आपका? ये कितना है रोजा हमारा? ये आज अठारहवां रोजा है। अठारहवां, तो अभी तो 12 रोजा और पड़े हैं। 30 रखते हैं ना आप? 30। हाँ जी, हाँ जी, तो ये बात है। तो दादाजी आप भी देखो, रोजा इतने भी इतनी शक्ति कहाँ से आती है? मतलब क्रिया दुखे तुम की छोरा तुम जाओ परा खेता में माल में उसे मेज कर अभी कौन करे। अच्छा, अभी अभी दौरा पे दादी जी या पहला दौरा हुआ? तो पहले में दौरा ही होता नहीं। हाँ। पहले में कुए रे पानी ढोदा करदा के अपने मदा सारा ओथ रहा ओदे पड़ी। अच्छा, ये पानी पहले के दमे तो नहीं रहे पछे सुख हो गयो तो ये पानी। अच्छा दादी, उदर जाते रहे। अच्छा, अभी भी जाते हैं उधर? हां ना, दड़ी को दो। अच्छा, की अपनो लेड़ो जी। हां, माँ बाप इतने बशियार इतनी बुठा इतनी जेब। अच्छा, उधर जब पाकिस्तान ये तारबंदी वगैरह हुई थी तो बंटवारा हुआ था, तो आपके परिवार वाले तो उधर कोई अपने है ही नहीं? पर अब तो काम छूट गया है। मैं वो छूट गया तो मारा परिवार ही को नहीं पास। अच्छा अच्छा, मारा हमें है जो तो सारे यही पास ही इस तरह। चिन्नू साइड में? चिन्नू साइड पूरी में, चिन्नू साइड में फलोदी के पूरी सेड, पूरी फलोदी में भारो सेड है। अच्छा, अभी मतलब आप ये बकरियां वगैरह चला रहे हैं, मौसम खराब है तो ये कोई दिक्कत तो नहीं है इनको? दिक्कत में हुए तो की कर सकू पता, मौसम में मैं रोजा रोता है कि मैं रोजा मार मुंह में रोजो दिन सात यार खेवटा करनी पे। अच्छा। रोजा रात 5 बजे रोजो बंद हो तो रोजा में आप मतलब पानी है ना दिन में नहीं पीते है ना? पानी की कोई चीज नहीं रखते। अच्छा, रोजा में क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हैं दादी जी, आप बताओ मेन मुख्य है जैसे? मुझे आप बताओ कि 5 बजे रात रा 6 बजे उठी रात रा उठे बाद सूर भी जा खाने लाना है दुकान बाद में नहीं खाना नमाज पढ़ कर सो जाओ ना। ठीक है, मेवासी में छुट्टे को नहीं, मेवासी लाड फिर नहीं पे हमें जा सपोर्ट कर दी। तो अब तो ये देखो पूरा सूखा बंजर पड़ा है तो यहाँ इनके चरने के लिए तो नहीं चरने कहीं नहीं, अपना खेती रहो खेती रहो माल अपना दख जो चिनो हो का को ये बड़े और मार खास जो ले आवा का कनक रुको आस जो ले आचो ले आवा। तो अभी आपकी मतलब कमाई का साधन यही है भेड़ बकरियां? बस भी जो कमाई केड़ी साधन है। सही बात है। अब पानी की समस्या मैंने आपके गांव में देखी थी, बहुत समस्या पानी की। बिड़े केड़ी के है ना के थे पानी? हां, बहुत समस्या मैंने आपको देखी। अभी जो आपके महिलाएं छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी मटके पे उठा उठा के लेके जा रही थी पानी। तो हमने वार्ड बन से भी बात करी तो उन्होंने बोला भाई बात करेंगे, अब की बार वोट तो नहीं देंगे, अगर जो पानी नहीं आएगा तो वोट नहीं देंगे। तो यहाँ ये आपका एक बड़ा सा टिल्ला है दादी जी का और यहाँ आप रहते हैं। तो यहाँ देखिए मैं धोरा धरती में घूम रहा हूँ, आपको दुर्गम दुर्गम जो है धोरों के अंदर जाके दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से जो है यहाँ इनकी समस्याएं हैं। और देखिए सुनसान रेगिस्तान है देखिए, और इनके लिए ये एक छोटा सा बाड़ा करा गया है ताकि ये महफूज रहें। और देख सकते हैं धोरा धरती की वीडियो देखने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, और काफ़ी चीज़ें जो है आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आप बात करा तो अभी थार कर कितनी भेड़ बकरी? भेड़ बकरी है 40-50 भेड़ है 40-50 बकरी। अठे चरो का या भर ले जाओ? अठे घूम ले जाओ, अठे चरने के लिए तो चारा ही नहीं है ना? चार तो जो खेत में चारा हुई करा हुई बसे थे। हाँ, ये जो साइड में जो बड़ी है तो पूरा बंजर है। हाँ, ये बंजर है पूरा, ये फोकड़ा बिचार बुई और बीजो घास तो है। पहले बारिश और पानी इकट्ठो करता, अब तो कौन करे? कोई कौन इकट्ठो करे बारिश और पानी? हमें कौन करे? अब तो नहीं रहा कि पानी कौन करे। पहले तो दादाजी ये टोपे हुआ करते थे, टोपे होते सालों साल रहता था उसमें पानी है ना? सालों साल तो कौन रहता? तो 4 महीना 2 महीना 3 महीने रहता। अच्छा, कोई तो अपने जलू पक्को तो महाराज कच्चा था, दांदले लेपड़ा था,
बीबिया को लेपो हो दो 30 फुट होता और पानी खारो हो दो। अच्छा एक वो बावड़ी होती थी हर रात, मतलब जैसे सींचते थे वो बावड़ी बोलते थे क्या बोलते थे, थोड़ा थोड़ा पानी निकलता था वो इधर नहीं, वो दूना ला रहे जी बाप बाप जैसलमेर नहीं जी नहीं। अच्छा यहाँ धरातल का पानी कितना फुट नीचे है? खारा पानी बिल्कुल 30 फुट से 30 फुट से 30 फुट खारा पानी है, खारा पानी बिल्कुल खारा। अच्छा 30 फुट में पानी निकल रही है खारा पानी एकदम खारा, एकदम खारा अपने पीने के लिए काम, अपने माल मवेशी के लिए बढ़िया, माल मवेशी के लिए बढ़िया। अच्छा तो जैसे अभी मैं गया था जैसलमेर तो कोड़ू का तड़ा में वहाँ उर्से खान जी है, वो आज भी ऊँटों से पानी निकालते थे, आपने भी ऊँटों से पानी निकाले कभी? पहले निकलता मुझे। अच्छा ऊँटों से निकालते थे, भयंकर गर्मी पड़ती थी गर्मी। अच्छा अभी टाइम ऊँट एक बार में कितना पानी निकाल दो? ऊँट पा निकाल दो, भेड़ होती बकरी होती कहीं कहीं 40 होते कहीं कहीं 50 गाय होती कहीं कहीं 30 होती, वो सब ऊँट सही पाता भेड़ होती बकरी सब। तो ये है दादाजी की, देखो दादी जी भी बहुत मेहनत करती हैं, अभी रोजा ही थे आप देखिए रोजा ही थे फिर भी देखो मेहनत करते हैं। हाँ जी हाँ जी, तो अभी मतलब आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए आपकी? सरकार मैदान पड़ा कर दे, शबा सरकार नहीं करे तो शबा सरकार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, भाग लकी माँ हमें घनी घनी उम्र काजी परी ने थोड़ आज तू देख ले गए पहले मिने सौ सौ बरस रहा गुजर अब 40-50 बरस उम्र आई बस बस इतनी बुढ़िया बैठे यार बच्चा बुआ जाओ। हाँ जी जवान बुआ जाओ एकदम फूट रही बात है, बिल्कुल सही बात है। बाप बैठा है बेटा बुआ जाओ, मामा बैठे है बेटा बुआ जाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ, पहले 100 साल 50-60-70 साल बूढ़ू जाओ तो कोई बिल्कुल जवान कूद जाओ। हमें ये आने सरसरे आने में थोड़ी सी उम्र कम हो। तो ये दादाजी जो है मेहनत कर रहे थे और यहाँ इनका एक झोंपड़ा भी है वो देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ ये देखिए। तो आज भी जो है हमारे बूढ़े लोग कितनी मेहनत करते हैं। उस भेड़ को क्या हुआ दादाजी? भेड़ तो ब्याह रही है। अच्छा ब्याह की बच्चा दे रही है, यही कोई हमें दे। तो ये भेड़ हैं और यहाँ पर ये बड़े से टिल्ले के ऊपर मुझे दादाजी मिले जो कि रोजाइत हैं और इनको हमने परेशान किया उसके लिए दादाजी माफी चाहूंगा मैं, आपको परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं नहीं। अच्छा तो ये भेड़ बकरियां माल मवेशी चराते हैं तो इनसे हमने जान पहचान करी और थोड़ा इनकी समस्या के बारे में पूछा तो बोले भी हम तो अनपढ़ हैं और जैसे तैसे करके हमने तो पूरी उम्र निकाल ली, लेकिन भाई अगर सरकारें अच्छी व्यवस्था करती है तो बहुत बढ़िया है सब। आप इतने मतलब रोजाइती में इतने बड़े कड़े नियम होते हैं फिर भी मतलब बहुत मतलब मालिक के प्रति आस्था है। एक मालिक देख तू रोजा लगा हाँ कर दी छिया कर दी, वाह 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 में एकदम ठंडा मौसम और इस समय में तो धूप पड़ती है देख तू सबका अपना ऊपर उड़ा लिए। हाँ जी ये होया वे होया हाँ जी ऊपर उड़ा लिए एक सबका मालिक है सब एक मालिक है। किसी को मार दे किसी को जियाल दे किसी को बीमार कर दे सब करने वाला वो है। तो देखो कितनी अच्छी ठंडी धोरा धरती में तो चिलचिलाती धूप के अलावा आंधियों के अलावा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन अभी जो है रोजे का चल रहा है समय तो यहाँ पर बढ़िया सी ठंडा मौसम है, ठंडा ऐसे लगता है ठंडी नहीं होती गर्म होती बिल्कुल 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 इतनी बात नहीं हो पाती अपने से। तो आप दिन में पानी तो सुबह 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 जल सूर्य तू समझ ले 5 बजे पानी पी पियो खाना खा लिया, अब मैं शाम 7 बजे मोर कुछ नहीं पीना और काम भी करते हैं फिर भी काम करते हैं काम तो करते ही जाएगी हेज बकरी और काम तो करना पड़ता है उनको उनको तो पूरा ध्यान रखना। मेरा था ना नौकरी लगी थे आया हो। हाँ जी हाँ जो नौकरी गिरी बैठ रहा नहीं हो तो आवन कोई जरूरत को परेशान हो कारण कर। तो धोरा धरती के बाबा जी क्या नाम बताया आपका? श्याम मोहम्मद जी है, श्याम मोहम्मद जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इन रेगिस्तान टीलों में भी देखो इन्होंने पूरी उम्र निकाल ली है और फिर भी देखो बहुत मजबूत हैं ये दादाजी। और ऐसे ही खूबसूरत वीडियो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।